नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मैं हूं आपके साथ गुलविश। इस बार फिर हाजिर हूं आपके साथ आपकी कुंडली में। लेकर आई हूं पूरे हफ्ते का राशिफल ताकि आप अपना हफ्ता अच्छे से प्लान कर सकें। हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे खास मेहमान, मौजूद रहेंगे देवशंकर शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी आपकी कुंडली में। नमस्कार जी। आचार्य जी, चलिए राशिवार तरीके से तो हम जानेंगे सभी जातकों के बारे में कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप क्या इम्पोर्टेंट बताने वाले हैं शनि और होली से रिलेटेड। होली वाले दिन विशेष तौर पे अगर अपने ग्रहों को मजबूत करना चाहते हैं तो कोई भी ऐसे नशे का पदार्थ नहीं यूज करें और ऐसे कोई नशे वाली चीज़ न खाएँ न पिए। अगर इसका बचाव अगर पूरे दुनिया में जातक करते हैं तो होली वाले दिन, होली बसंत पंचमी वाले दिन से शुरू हो जाती है और ये साप्ताहिक होली है और इसमें इस होली पे अगर इस तरह के बचाव करते हैं पूरी दुनिया भर के लोग तो इससे शनि ग्रह मजबूत होता है। ग्रहों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो दिक्कतें दूर रहती है। मान लीजिए जैसे रविवार और सोमवार के दिन 2024 में ये 25 मार्च की होली है, इसमें रविवार के दिन कोई नशे की पदार्थ को यूज करता है तो भगवान सूर्य का दिन है, इससे सूर्य कमज़ोर होगा। अगर मान लीजिए कोई नशे का ऐसा चीज़ फिर से पुनः प्रयोग करते हैं तो शनि कमज़ोर होगा और शनि न्यायाधीश है, शनि न्याय का मालिक है। अगर ऐसी व्यवस्थापन में अगर कोई ऐसे जातक कोई इस तरह का कोई भी व्यक्ति काम करता है तो अपने ग्रह को खुद ही कमज़ोर कर लेते हैं जिसका प्रभाव उसको बहुत दिनों तक भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा जो होली वाले दिन बहुत तरह के ऐसे वस्तु बने हैं खाने पीने की जिसे आप खाएं पिएं और हर्ष उल्लास के साथ में जो धुलंडी है, दुर्खेल है और जो होली रंग त्यौहार है ये आप खेलें, परंतु कोई नशे का पदार्थ ऐसा कोई चीज़ नहीं यूज करें जिसके करने से आपके स्वयं ग्रह भी खराब होगा और आपके परिवार पे भी इसका प्रभाव बुरा पड़ेगा। इसलिए आप अपने आप को बचा करके रखें इन सब चीज़ों से जिससे कि आपके ग्रह बहुत अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे और होली का भी त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ में आपका बहुत बढ़िया बना रहेगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर ये बात आपने बताई है। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, बिल्कुल राशिवार तरीके से अब जानेंगे कि पूरा हफ्ता कैसे रहने वाला है। सबसे पहले नंबर है मेष राशि का, ये पूरा हफ्ता उनके लिए कैसा रहेगा, क्या संदेश है आपके पास? जी, मैं मेष राशि वालों के लिए कहना चाहूँगा 25 मार्च से 31 मार्च तक यह सप्ताह शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे, मन प्रसन्न रहेगा, घर परिवार में धार्मिक कार्य होंगे, पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेगी। फिर भी कोई उपाय करना आप चाहते हैं इस सप्ताह के अंदर में तो तांबे के बर्तन में एक चुटकी कुमकुम डाल करके सूर्य देव को जल अर्पित करें जिससे कि ये सप्ताह आपके लिए और भी मजबूत बना रहेगा। बिल्कुल, तो सप्ताह आपके लिए अच्छा है और उसको और मजबूत आप बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे वृषभ राशि, इनके लिए आप क्या बताएंगे आचार्य? वृषभ राशि वालों के लिए 25 मार्च से 31 मार्च तक का समय मध्यम रहेगा। नौकरी व्यवसाय में नकारात्मक उतराव चढ़ाव बढ़ा रह सकता है, मन परेशान रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में तालमेल कम रह सकता है। फिर भी इस सप्ताह अपने आप को मजबूत करके रखें तो आप किन्नरों का आशीर्वाद प्राप्त करें, किन्नरों का आशीर्वाद लें, इससे आपका ये सप्ताह बहुत बढ़िया निकलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे मिथुन राशि के जातक, उनके लिए आप क्या कहेंगे आचार्य जी? जी, मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके द्वारा कार्य क्षेत्र में लिया गया फैसला सफल रहेगा, होगा, आत्मबल बढ़ेगा और किसी रिश्ते में भी मजबूती आएगी। उपाय अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सोमवार को भगवान शिव की पूजा करें और काले उड़द की दाल की खिचड़ी का दान करें जिससे कि ये सप्ताह आपका और भी मजबूत बनेगा।
बिल्कुल, तो सप्ताह आपके लिए बेहतर है और उसको मजबूत भी आप कर सकते हैं। थोड़ी बस आपको चीजों का ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी कर्क राशि के जातक, क्या उनके बिगड़े हुए काम, रुके हुए काम बन पाएंगे इस बार? कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा, कार्यों में अच्छा लाभ मिलेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी, परिवार में यात्राओं की योजना बन सकती है, माता पिता से नज़दीकियां बढ़ेगी, अगर बहुत दिनों से दूरियां बनी हुई थी तो नज़दीकियां बढ़ेगी। और इस सप्ताह का अगर आप अपने आप को और मजबूत करना चाहते हैं तो भगवान आदित्य, भगवान सूर्य आदित्य स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, आपको हर रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, सिंह राशि के जातक, उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? सिंह राशि वालों के लिए आपके लिए 25 मार्च से 31 मार्च तक का सप्ताह अनुकूल रहेगा। कार्य करने के लिए आपका ऊर्जावान शारीरिक बने रहेंगे, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है आपको, अंत में आपको लाभ मिलेगा। और फिर भी अगर आप इस सप्ताह अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने वाणी पे थोड़ा ध्यान रखें और अपने वाणी को मधुर बनाए रखें। और अगर उपाय करना कुछ चाहते हैं तो घर में मुख्य द्वार पर थोड़ा गुलाल छींट करके और दो मुखी दिया को जलाएं, जिससे कि आपके लिए लाभ रहेगा। आचार्य जी, आप कई बार ऐसा बताते हैं कि अगर सितारे उतने मजबूत नहीं हो तो आप मेहनत करते रहें, तो जब ऐसा टाइम होता है तो मेहनत करना भी मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि इस मुश्किल टाइम में क्या सोच के लोग काम करें? जी देखिए, क्या है, जो अगर समय अनुकूल नहीं है तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो उस समय बहुत सावधानी से चलें, किसी से वाद विवाद में ना फंसें, क्योंकि समय अनुकूल नहीं है। अगर किसी से वाद विवाद में फंस जाते हैं तो आपके लिए मुश्किल की घड़ी खड़ी हो जाएगी। और दूसरा क्या है, जो अगर आप कोई उपाय करते हैं, समय अगर खराब है तो कुछ उपाय करने से आपके जीवन में शांति भी मिलेगी, और वो ग्रह जो अगर कमज़ोर था तो उसमें जो है सो आपको लाभ भी मिलेगा और तरक्की और सहनशीलता भी बनेगा। तो इसलिए ये जो सप्ताह निकलता है व्यक्ति के जीवन में, इसमें अगर इस तरह के कोई उपाय कर लेते हैं और अगर कुछ खराब भी था तो उनका ठीक हो जाता है, सामान्य सप्ताह निकलता है। तो अपने आप में व्यक्ति को विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए और मेहनत भी करते रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, कन्या राशि के जातक, उनके लिए आप क्या कहेंगे? कन्या राशि वालों के लिए 25 मार्च से 31 मार्च तक का समय मध्यम बना रहेगा। कोई भी नया काम इस सप्ताह शुरू ना करें, नुकसान हो सकता है, मन अशांत रहेगा, कोशिश करने में रिश्ते में जो है सो वाद विवाद बढ़ सकता है, इसलिए अपने आप पे थोड़ा सा बचाव करके रखें। फिर भी कोई उपाय करना चाहते हैं आप तो मंदिर में चावल और दूध को भोग लगा करके गरीबों में प्रसाद बांट दें तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दान आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे तुला राशि के जातक, ये हफ्ता उनका कैसा रहने वाला है? तुला राशि वालों के लिए 25 मार्च से 31 मार्च तक का समय बहुत मजबूत है, मजबूत रहेगा। नौकरी व्यवसाय में प्रगति करेंगे, आपके आसपास के लोग भी आपसे बहुत खुश रहेंगे, आपका भाग्य आपके पक्ष में रहेगा और बहुत मजबूती से ये सप्ताह आप आगे बढ़ेंगे। फिर भी अगर कोई उपाय करना चाहते हैं तो लक्ष्मी जी को खीर या दूध का भोग लगा करके गरीबों में ये प्रसाद बांटें, ये सप्ताह आपके लिए और बहुत बढ़िया बनेगा। बिल्कुल, जितना दान करें, जितना भी आप कर पाएं, दान बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से समय समय पर दान करने की बात आती ही रहती है। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, वृश्चिक राशि के जातक, उनके लिए आप क्या कहेंगे इस बार इस हफ्ते के लिए? वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, इस राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा, व्यापार में लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, व्यर्थ की चिंता से मुक्त होंगे आप, किसी शुभ काम का हिस्सा बन सकते हैं, परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा और
न जाने कितने लोगों से, प्रत्येक व्यक्ति से आपका जो है सो तालमेल ये सप्ताह बहुत अच्छा बना रहेगा। प्रत्येक गुरुवार को गुड़ और चने की दाल दान करें, गाय को खिलाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल आपके लिए अच्छा समय है और अच्छा आप कैसे बना सकते हैं वो आचार्य जी ने बता दिया है। आगे बढ़ेंगे धनु राशि, इस राशि के लिए आप क्या बताएंगे? धनु राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा ये सप्ताह बहुत उत्तम रहेगा। कार्य क्षेत्रों में किसी अनुभवी व्यक्ति से आप सलाह ले सकते हैं जिससे कि आपको आगे जाने की जो है सो रास्ता मिलेगा और कार्य क्षेत्र में एक तरक्की की रास्ता आपको मिल रहा है। परिवार में भी बहुत सुंदर प्रसन्नता बना रहेगा और हर तरह के जो है मुश्किलें आपके दूर होगी। फिर भी अगर कोई आप उपाय करना चाहते हैं तो पीले फल का दान करें। आप किसी गरीब को पीले फल अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल आपको पीला फल है उसका दान करना है किसी गरीब को। मकर राशि के जातक, क्या उनके काम बन पाएंगे, क्या ये समय उनके लिए अनुकूल है? जी मकर राशि वालों के लिए कहना चाहूँगा ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सभी काम समय पे पूरे होंगे, यात्रा करने के लिए भी शुभ समय है आपका और परिवार के साथ समय बिताएंगे आप अच्छे से। मान लीजिए अगर काफ़ी दिनों से आपका समय अनुकूल नहीं चल रहा था लेकिन ये सप्ताह आपका कोई भी फैसला अगर आप लेते हैं तो आपके हित में होगा, बहुत अच्छा रहेगा और परिवार से भी आपका तालमेल जो है वो भी बहुत सुंदर है। फिर भी अगर मूंग की दाल की खिचड़ी अगर आप किसी गरीब को खिलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो आखिरी दो राशियां बची हैं, कुंभ और मीन। आचार्य जी सबसे आखिर तक इनको इंतजार करना पड़ता है तो बता दीजिए क्या इनके लिए ये हफ्ता अच्छा है? कुंभ राशि सबसे पहले। कुंभ राशि के लिए मैं ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा मध्यम रहेगा, मैं ये कहना चाहूँगा धन की प्राप्ति होगी और खर्चा भी बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों से मतभेद हो सकता है, उनसे न उलझें, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें, कार्य को स्पष्टता से करें और हर प्रकार की मन के अंदर में शांति बना करके रखें जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई ये सप्ताह। अगर फिर भी आप कोई उपाय करना चाहते हैं कुंभ राशि वाले तो देखिए गाय को पीले केले और जो दाल है दाल को भिगो करके, केले और जो चने का दाल है उसको भिगो करके गाय को खिलाएं। गाय को खिलाने से आपके लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे आखिरी राशि मीन राशि, इनके जातकों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए बहुत समय से मीन राशि को मैं देखता आ रहा हूँ, इनका समय बहुत बढ़िया इनको मिलता आ रहा है। कारण क्या है, मीन राशि का जो स्वामी है वो गुरु है और मीन राशि पे इस समय वर्तमान में जो सूर्य भोग कर रहा है वो मीन राशि को अत्यंत लाभ देता है। इसलिए मीन राशि वालों के लिए जो ये सप्ताह रहने वाला है वो मैं ये कहना चाहूँगा ये सप्ताह आपके लिए उत्तम रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, मित्रों के साथ घूमने का अवसर प्राप्त होगा, परिवार में आपकी दूरियां अगर बनी थी तो नज़दीकियां बढ़ेगी और हर प्रकार की आपकी समस्याएं हल होगी और आप जितना मेहनत करेंगे मीन राशि वाले उतनी अच्छी आपको सफलता मिलेगी। फिर भी ये सप्ताह अगर और अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो भाई मैं आपको ये कहना चाहूँगा मीन राशि वाले, जो बजरंगबली के सामने हनुमान जी के सामने चमेली का तेल का दीपक अगर आप जलाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मन का मालिक चंद्रमा है, अगर चंद्रमा का भी अगर आप जाप करते हैं तो और अच्छा आपके लिए बना रहेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर सारी राशियों के बारे में हमने बात की है आचार्य जी, तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा भी है कि कुछ राशि के जातक हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तभी उन्हें कुछ मिलता है, ऐसा है कुछ? क्या कुछ राशियों के लिए थोड़ा चीज़ें मुश्किल होती हैं? देखिए क्या है, जो राशि सब बराबर है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, कई बार क्या होता है जो किसी ग्रह के कमजोरीपन में, कोई ग्रह मान लीजिए या तो कमज़ोर है या बहुत उग्र हो चुका है जिसके कारण जातक अपने जीवन में मेंटली डिस्टर्ब में चला गया है या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो गया हो
और या कोई दिक्कत हो गई हो या कोई परिवार के कोई पारिवारिक परेशानी आ गया हो, तो ऐसे में उस जातक को विशेष मेहनत करने की आवश्यकता पड़ जाता है। और वो मेहनत अगर विशेष करता है तो मैं कहना चाहूँगा जो वो परेशानी उनके लिए दूर हो जाती है और वो सप्ताह भी, वो महीने के अंदर में भी, और उस समय भी उनका अच्छा निकल जाता है। जो मान लीजिए समय खराब आने वाला था वो नहीं आता है और अच्छे समय में पहुंच करके वो निकल जाता है। तो अपने आप को सावधानी बरतें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने विचारधाराओं को अच्छे बना करके रखें। तो अगर आपका ग्रह कमज़ोर भी है तो आपका ग्रह आपका कुछ ऐसा विशेष नुकसान नहीं करेगा और आप अपने जीवन में अच्छे तौर तरीके से बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप यहाँ पर आए और सारी बातें हमारे साथ साझा करी हैं। तो ये था इस बार का आपकी कुंडली। अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे लेके आपकी कुंडली में कि कैसे आपका पूरा एक हफ्ता रहने वाला है, तमाम जानकारियों के साथ अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।